क्लाइंट्स आने वाले हैं. ओ माय गॉड, आई एम सो नर्वस एंड आई कांट इमेजिन आपकी क्या हालत हो रही होगी. यार बहुत नर्वसनेस हो रहा होगा ना, शिवर कर रहे होगे, नाइटमेयर्स आ रहे होगे, धक धक कर रहा होगा. यार शिट, दिस टेक्स मी बैक टू माय टाइम जब हमारे रिजल्ट्स आने वाले होते थे. माय गॉड, क्या फेज हुआ करता था वो. एंड स्पेशली माहौल, यू नो, मेरा जो सर्कल था वो सभी लोग सीए कर रहे थे, तो हमारा तो माहौल हर एक फोन कॉल पे वही डिस्कशन. अरे उस पेपर में मुझे लगता है 40 भी नहीं मिलेंगे, उस पेपर में शायद 60 प्लस मिल जाए. हर फोन कॉल पे वो डिस्कशन, पेरेंट्स के बीच में वो ही डिस्कशन, रिलेटिव्स के फोन. आपको तो पता है कि जैसे मैंने बुक ऑडिट ऑफ अ सीए में भी लिखा है कि सीए का रिजल्ट डे मतलब नेशनल रिलेटिव्स डे ही होना चाहिए, बिकॉज पूरी सोसाइटी, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी पता होता है कि सीए का रिजल्ट आने वाला है. तो हर जगह पे वही इंक्वायरीज, हर जगह पे वही डिस्कशन, फोन पे वही बातें, यू नो, बहुत हर जगह पे वही ट्रॉमा ट्रॉमा ट्रॉमा, नर्वसनेस. गाइस, मैं तो ना खुद को एकदम बहुत ही बिलिटल करती थी, ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैं हमेशा कितना भी अच्छा पेपर लिख के आऊँ मुझे लगता था कि मैं फेल ही होने वाली हूँ. आई यूज टू बी दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. तो सिंपल एक बात बताती हूँ, जैसे मेरी मम्मा अगर मुझे उस फेज में, जस्ट रिजल्ट्स के पहले वाले फेज में कुछ पूछती थी, अच्छा बेटा तुम्हारी फेवरेट डिश कुछ बनानी है तो बता दो, तो मैं सोचती थी नो, आई डोंट डिजर्व टू ईट द डिश ऑफ माई चॉइस. अगर पापा पूछते थे कि यार कुछ शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए तो ले लो, तुम्हारी पॉकेट मनी ले लो, नहीं, आई यूज टू फील कि नो, आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स इन लाइफ बिकॉज आई एम गोइंग टू फेल. सो यार ये मेरे साथ होता था, आप लोग के साथ कुछ डिफरेंट चीज़ें हो रही होगी, मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपके साथ क्या हो रहा है. बट यार हर स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ, इस स्पेशली एक वीक बिफोर रिजल्ट में कुछ ना कुछ होता है, नेचुरल है. यार गाइज, अपन इतनी पढ़ाई करते हैं, सी ए स्टूडेंट्स इतने एफर्ट्स डालते हैं, इतने टोल टेकिंग कोर्स है ये एक्चुअली, सो इतना नर्वसनेस तो नेचुरल है. आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एग्जाम रिजल्ट के एक दिन पहले उसने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, एंड शी सेड कि मैं 101 हनुमान चालीसा पढ़े बिना यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ, एंड शी एक्चुअली डिड दैट. ऐसे ही वियर्ड वियर्ड चीज़ें होती रहती है आसपास, एंड सुबह उठ के वो बहुत सारे लोग नंगे पैर चल के मंदिर जाते थे. आई नो कि इस टाइम पे भगवान पे सडनली विश्वास होने लग जाता है, आई डोंट नो व्हाई. बस यार गाइस सीरियसली, इस बार वो एज फार एज आई हियर, इस बार का रिजल्ट ईजी आने वाला है. सो डरो मत ज़्यादा, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, आप लोग में से मैक्सिमम लोग पास हो जाओ, यही मेरी विश है आप लोग के लिए, बिकॉज एक्चुअली आई हियर कि इस बार के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं. सो या गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक विथ योर रिजल्ट. बस इतना ही बोलूँगी मैं. सपोज बाय एनी चांस अगर नहीं क्लियर किया अपन ने, बिल्कुल भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना. आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार शायद नहीं होगा मेरा, तो पढ़ाई करना चालू कर दो. बात की इंटेंसिटी ना थोड़ी सी कम लगती है, फेलियर अगर फेल हो गए तो इंटेंसिटी कम लगेगी, और अगर पास हो गए तो खुशी ही खुशी है. मेरे साथ हुआ था आईपीसीसी के टाइम पे, मैंने सोचा था मैं तो बिल्कुल ही पास नहीं होने वाली हूँ, एंड मैंने पढ़ाई चालू कर दी, एंड आई पास्ड इन दैट अटेम्प्ट. तो मुझे जो खुशी मिली ना, डबल खुशी, एक्चुअली डबल खुशी मिली मुझे. सो या अगर लगता है ना बिल्कुल भी छोटा सा भी कॉर्नर में, तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई. इवन दिस वीक ऑफ स्टडीज इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड वो इंटेंसिटी बाद में कम फील होती है. सीरियसली पर्सनल एक्सपीरियंस है बता रही हूँ मैं. सो या बिल्कुल भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. अरे 20% लोग पास होंगे, 80% लोग फेल होंगे, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप में कोई कैपेबिलिटी की कमी या कोई टैलेंट की कमी है. बस थोड़ा सा सिट बैक, रिलैक्स, अंडरस्टैंड कि चलो हाँ ये गलती हो गई होगी, वो गलती हो गई होगी, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं कमिट करेंगे. एंड आपकी दीदी, आपकी बड़ी दीदी तो आपके साथ ही है. आई एम गोइंग टू बी स्टैंडिंग स्ट्रांग बाय यू. कुछ भी हो, आप पास हो फेल हो, मैं ना आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाली. तो बिल्कुल टेंशन मत लो, यू आर नॉट अलोन इन टू दिस. ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक. आई होप आप सब सक्सेसफुल बनो, मुझे जरूर शेयर करना आपके रिजल्ट्स. ओके, या चलो टाटा, बाय बाय. जस्ट मुझे बात करनी थी आप लोग के साथ आके, सो मैं आ गई. चलो बाय.